दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज एक बेहद ख़ास जानकारी आपको देंगे, एक बेहद ख़ास टॉपिक चुना है आज के लिए। आज का टॉपिक है आपकी लव लाइफ के संबंध में। आपकी लव लाइफ में आपको पहला प्यार क्यों नहीं मिला? आपने जिसे पहली बार चाहा, जिसको अपने दिल से सब कुछ माना, वो व्यक्ति आपको लाइफ टाइम क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं उसने आपका साथ निभाया? क्यों नहीं उसने आपका साथ दिया? आज चर्चा इसी पर होगी कि क्यों लोगों के पहले प्यार उन्हें छोड़ जाते हैं, क्यों उन्हें पहला प्यार नहीं मिल पाता है। आज की चर्चा हमारी इसी विषय पर। कुछ योग बताएंगे आपको जो जन्म कुंडली में अगर होते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें उनका पहला प्यार नहीं मिल पाता है। कईयों को धोखा मिल जाता है, कईयों को सिचुएशन ख़राब हो जाती है, परिस्थितियाँ छोड़ देती हैं साथ, लव लाइफ परिस्थितियों की वजह से ख़राब हो जाती है और पहला प्यार छूट जाता है। कई लोगों के जीवन में परिस्थितियाँ ही होती हैं और कई लोगों को साफ साफ धोखा मिल जाता है। और कई योग ऐसे हैं जिसमें ये सिद्ध पाया मैंने, अपने जीवन में खुद अनुभव किया है और बहुत अच्छा शोध किया है, लंबे बहुत सारी कुंडलियाँ देखने के बाद में, बहुत लंबे रिसर्च के बाद में ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी इस विषय को थोड़ा बहुत आपको दिया है, थोड़ा बहुत इसकी झलकियाँ आपको दिखाई हैं, लेकिन आज आपको जो जानकारी मिलेगी वो एकदम 100% सत्य होगी। क्या है? और हाँ, दो राशियाँ भी बताएंगे, दो राशियों के नाम बताएंगे। उन राशियों को कभी भी सच्चा प्यार नसीब नहीं होता है, पहला प्यार तो होता ही नहीं है, पहला प्यार उन्हें मिलता ही नहीं, और मिल भी जाए, शादी भी हो जाए, तब भी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहती है, डाइवोर्स हो जाता है। चलिए बताते हैं कौन सी वह दो राशियां हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं योग क्या होते हैं कि जिस व्यक्ति को कभी भी पहला प्यार, सच्चा प्यार पूरी तरह से जिंदगी भर के लिए नहीं मिल पाता है। सबसे पहले योग जानते हैं। अगर जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में, इसे आप नवमांश से भी देख सकते हैं, नवमांश भी इसके लिए ज़रूरी है, लेकिन आप अगर दोनों में पाते हैं, नवमांश और लग्न में, तो ज़्यादा सटीक पाएंगे। लेकिन अगर आप लग्न कुंडली में ही देख रहे हैं तो भी ठीक है, नवमांश को छोड़ दीजिए, और अगर लग्न कुंडली में नहीं है, नवमांश में है, तो फिर कम समझिए, लग्न कुंडली ही उठाइए और देखिए। आपके जन्म कुंडली में, आपके लग्न कुंडली में राहु का त्रिकोण से संबंध, एक तो प्रथम भाव यानी कि पहला भाव लग्न में ही राहु बैठा हो, दूसरा पंचम में, और तीसरा नवम में अगर राहु बैठ जाए तो समझ लीजिए आपके लिए ये निशान है ये कि आपकी सिचुएशन ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका पहला प्यार आपको नहीं मिल पाएगा, परिस्थितियां ऐसी बन जाएं जिससे एक दूसरे को अलग होना पड़े, इतना ज़्यादा स्थितियां ख़राब हो जाएं कि एक दूसरे को छोड़ना पड़े। लेकिन वहीं देखा जाए तो इसमें स्थितियां परिस्थितियों की होती हैं, कई बार सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती कि हर बार किस्मत आपको धोखा दे जाती है, पहली बार तो होता ही होता है, पहली बार में ऐसे व्यक्ति को सच्चा प्यार, पहला प्यार नहीं मिल पाता है। लेकिन देखा जाए तो दूसरी बार ऐसे लोगों को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, पहली बार तो परिस्थितियां छोड़ती हैं, दूसरी बार झटका लग सकता है। अब यहाँ पर दूसरा योग जो हम बात कर रहे हैं, दूसरे योग में सबसे ज़्यादा खराब योग यहीं पर राहु हो इन तीनों स्थानों पर, और इसके साथ में शनि भी हो, तब ये बहुत ज़्यादा भयंकर विषैला योग बन जाता है, जिसमें बहुत बुरी स्थिति बन जाती है, जिसमें आपके पहले प्यार के साथ में आपके संबंध ऐसे जहरीले होते हैं, ऐसे जहरीले होते हैं जिसके साथ ना तो जिया जाए, ना उसको साथ रखा जाए, ना उसके बिना रहा जाए, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। और तीसरा योग है अगर शनि राहु इन दोनों पर, इन दोनों की युति पर, और ख़ास करके ये पंचम में हो, नवम में हो, षष्ठम में हो, द्वादश में हो, लग्न में हो, इन भावों पर हो, और मंगल की चौथी, आठवीं या सातवीं दृष्टि, खास करके शत्रु राशि मंगल की या नीच राशि मंगल की,
दृष्टि इन ग्रहों पर पड़ जाए, किसी भी लग्न की कुंडली हो आपकी, लग्न कोई भी, और खास करके अगर मिथुन कन्या लग्न हो तो और ज़्यादा खराब स्थितियाँ। तो जिंदगी में कभी पहला प्यार मिलता ही नहीं, और यही वजह है कि कई लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पहला प्यार उन्हें नसीब नहीं हो पाता है। वैसे पहला प्यार कहने को तो बहुत सारी बातें हैं कि पहला प्यार उसे हम क्यों कहेंगे, पहला प्यार तो हमारा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो एक यहाँ पर लव लाइफ के तरीके से देखने को मिल रहा है, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये साफ हो गया कि इन योगों में आपको धोखा मिलता है, पहला प्यार ऐसे योग अगर कुंडली में है और आप सिंगल हैं तो आपको पहले प्यार से उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, यही आपके लिए अच्छा होगा, तकलीफ कम होगी। अब आपको योग तो बता दिए, दो राशियां बताते हैं, अगर उन राशियों के आप हैं तो आपको भी पहला प्यार नहीं मिलेगा, और मिल भी जाता है तो शादी होने के बाद डाइवोर्स हो जाएगा या बहुत बुरी खराब स्थिति हो जाएगी, आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। दो राशियां, उन राशियों को जानते हैं, उसके बाद में उपाय भी बताते हैं आपको कि उपाय क्या करें जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, बहुत ज़्यादा स्थितियाँ आपके लिए ठीक रहें। सबसे पहले राशियाँ, एक राशि है मिथुन राशि, दूसरी राशि है कन्या राशि। अगर इन राशि के आप हैं तब भी आपके लिए बहुत स्थितियाँ खराब होती हैं, इन राशियों को भी पहला प्यार नसीब नहीं होता है, पहला प्यार सच्चा प्यार करके धोखा ही खाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान रखिए, आप किसी पर उम्मीद मत लगाइए पहला प्यार करके अगर आप सिंगल हैं। अब जान लेते हैं उपाय। उपाय में आपको, क्योंकि ये राहु शनि मंगल ये जो ग्रह हैं पाप ग्रह, ये खराब स्थितियां क्रिएट करते हैं और इनको दबाने का काम केवल महादेव कर सकते हैं, इसलिए आपने देखा होगा अगर आप खुद, खास करके जो लोग प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, उनके सबसे प्रिय देवता महादेव हो जाते हैं, महादेव हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इन पाप ग्रहों से वो इतनी पीड़ा उत्पन्न होती है उनके अंदर जो प्यार करते हैं, कि वो अपने आप स्वतः महादेव के दीवाने हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ पूजा मानी गई है महादेव की, भोले बाबा की पूजा और गणेश जी की पूजा। गणेश जो कि राहु को कंट्रोल करते हैं, जितनी गणेश और शिव जी की पूजा क्या है, ये दोनों पूजाएँ ऐसी होती हैं जिसमें आप जो नेगेटिव एनर्जी और जो ऐसी एनर्जी जो आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्ट कर रही है और आपको बहुत सारी चीज़ों में भ्रमित कर रही है, उस भ्रम को, उस मोह जाल को आपके लिए तोड़ देते हैं और आपको एक वो सपना और वो चीज़ें दिखती हैं जो रियल हैं। आप सपनों की दुनिया में, अंधेरी दुनिया में नहीं जा पाते, तो आपके लिए अच्छा होता है। ये तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल बता दिया कि आप शिव जी और गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन उपाय के रूप में आप ये कर सकते हैं, ओम गणगणपतये नमः अथवा सिद्धि विनायक मंत्र का जप कर सकते हैं, इन मंत्रों का जप कर सकते हैं गणेश जी के लिए, या गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, गणेश वंदना कर सकते हैं, गणेश जी को दूर्वा चढ़ा सकते हैं। ये उपाय गणेश जी के, और शिव जी पर सबसे अच्छा है शिवलिंग पर जल चढ़ाना, रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाना और भोले बाबा पर, बस आपका दिन, आपका सुबह, आपका जो दिन की शुरुआत हो वो भोले बाबा की पूजा से हो और उन्हीं के प्रति समर्पित हो जाना, और उनके प्रति समर्पित होने से पहले अपने अंदर के जो, अपने अंदर के आपकी ऐसी स्थिति है, कुछ ऐसे विचार हैं जो बहुत ज़्यादा खराब हैं, उन्हें नष्ट करिए। क्योंकि जब तक आप अपने, जैसे कोई नॉनवेज खाता है वो शिव जी की पूजा करता है, शिव जी क्या है कि गर्म चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, आप उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अपने अंदर ही आप अगर बहुत ज़्यादा नॉनवेज खा करके, बहुत सारी चीज़ें खा करके, ऐसे उल्टा सीधा कचरा खा करके आप अपने अंदर गंदगी पाल रहे हैं, अपने अंदर गर्मी उत्पन्न कर रहे हैं और शिव जी पर जल चढ़ा करके उन्हें ठंडा करना चाह रहे हैं, तो नहीं होगा। क्योंकि जब आपके अंदर शीतलता होगी तब वो आपके जल से शीतल होंगे, तब उन्हें आपके जल से संतुष्टि मिलेगी, तब वो आपसे प्रसन्न होंगे। तो पहले नियम भी फॉलो कीजिए, पूजा पाठ करने से पहले नियम को इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, अथवा फिर मानसिक पूजा करिए, मानसिक पूजा ही सर्वोत्तम है। अगर आप औपचारिक रूप से पूजा करते हैं तो आपको नियम फॉलो करने चाहिए, अगर नियम में त्रुटि होती है तो नुकसान भले ही ना हो आपको लाभ नहीं हो। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके
कमेंट में जय श्री राधे लिखें, हर हर महादेव लिखें, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो दें, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और अगर आप चाहते हैं नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करवाना, तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।